एवरीवन, दिस इज़ एकिन 22। आप सभी का स्वागत है आरएल क्राफ्ट के एक और एपिसोड में। साले कौवे, जब भी मैं इंट्रो देता हूँ कोई ना कोई निकल के ज़रूर आता है, साला चिल्लाने लग गया। पिछले एपिसोड में हमने हमारी समनिंग स्टाफ बनाई थी और आज हम जाने वाले हैं जो नियरेस्ट विलेज है ना वहाँ पर मैंने रायकू को देखा है, उसके पास भी गया था पर मेरे पास ट्रीट नहीं थी जो उसे खिलानी पड़ती उसे टेम करने के लिए। ठीक है, तो मैं अपना बैक पैक ले रहा हूँ और स्लीपिंग बैग मुझे देखना पड़ेगा मैंने कहाँ में रखा है। शायद जहाँ पर हम पहले गए थे वो टावर पे, उसके वहाँ पर रखा है शायद मेरा स्लीपिंग बैग, नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। कहाँ में रखे हुए आइटम्स, रैंडम किस में रखे थे मैंने, इसमें वूल है नहीं है, एक बार वहाँ पर देख लूँगा मैं। स्लीपिंग बैग वूल से बनता है, इजी। ठीक है, मुझे एक स्वॉर्ड भी बनानी है तो स्वॉर्ड के लिए मैंने हैंडल बनाया था इसका। स्टिक्स कहाँ है, स्टिक्स किस, वेयर आर द स्टिक्स, कि मेरा हैंडल बाहर तो नहीं गिरा है कहीं, साला वो चूहा आया था मेरे पीछे। ओके, इसमें वूल रखें, स्लीपिंग बैग बन जाएगा। हाँ, ये रही स्टिक और एक स्ट्रिंग से हैंडल बन जाता है, ये हो गया। तो स्लीपिंग बैग बना लेता हूँ, ये आ गया स्लीपिंग बैग, एक हैंडल ये रहा, और मुझे बनाना है एक लॉन्ग शॉर्ट, तो ऐसे बनती है नाइस ग्रेट शॉर्ट सॉरी। और बाकी हाँ, मुझे बनानी थी एवियन ट्रीट ये रही, जो कि बनती है चिकन से, कुक चिकन से, तो मेरे पास है और देखता हूँ कितनी लगती है। अभी मैं चार बना लेता हूँ, चलो और बना लेते हैं, आठ कर लेते हैं इसे। तो मेरी जो पुरानी वाली जो विलेज है वहाँ पर जा रहा हूँ मैं अभी। ओके, तो मैं इसको अपने बैकपैक में डाल लेता हूँ, ये सारी चीज़ें, ताकि मैं इन्हें लूज ना करूं। ओके देन, और एक एक्स्ट्रा ये डायमंड स्वॉर्ड ले लो, ये भी इसमें रखो, रात होने वाली क्या, नहीं, नाइस, लेट्स गो। अरे हाँ, आर्मर पीस लेना था मुझे, आर्मर पीस क्या है, हाँ पहन लिया। ओके, इससे पहले कि रात हो मैं वहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर हमने फर्स्ट हमारी बेस बनाने का सोचा था, पानी के ऊपर। उसके पास में एक हैरी पॉटर का विलेज है, वहाँ पर जाऊँगा मैं। लेट्स सी, ओके, तो ये रहा गोलम टावर। अरे हाँ, मैंने हार्ट्स बनाए थे यार, हार्ट्स बना लेना था, कोई बात नहीं, मैं वापस आके मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, क्रिस्टल्स जमा करे थे। अरे अच्छा, ये मैच बॉक्स मिल गया मुझे, हैंडल भी एक है। ओके, खाना, पानी की बॉटल, थैंक यू। तो क्या बोल रहा था मैं, क्रिस्टल, हार्ट क्रिस्टल्स मैंने करे थे और मैंने तीन और बढ़ा लिए हैं आज, और मुझे कुछ 29 या 27 ऐसे कुछ और रखे हुए हैं मेरी बेस पे। मैं माइनिंग पे गया था, मुझे डायमंड्स भी मिले। ओके, रॉ सिलिक्स, ब्रेड ले लेते हैं, ब्रेड खाएंगे हम, वैसे माका मीट तो है मेरे पास, इसको रखो यहाँ पे। हाँ, मेरे पास इसमें एरोज़ पड़े हुए हैं, ये काम आएंगे मुझे, ये वाली लूट तो मैंने अभी तक देखी नहीं थी इधर आके। ओके, बैंडेजेस शायद, प्लास्टर्स शायद हील करने के काम आती है, अभी तक मैंने यूज़ करके देखा नहीं। ओ नाइस, ये हुई ना बात, लेट्स गो। तो हम फाइट करेंगे जब माका मीट खाएंगे। अभी मैं ड्रैगन से नहीं लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे एक अच्छा वेपन चाहिए उससे लड़ने के लिए, और एक आर्मर भी, और थोड़ी सी वेपनरी हम अनलॉक कर लें फिर उससे लड़ने जाएंगे।
चिंग। इसमें मिथिकल क्रीचर्स ज़्यादा है ना, इसलिए आपको मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मैंने अपनी जो वॉन्ड है, समनिंग वॉन्ड, वो इसमें रख दी है, ये रखी हुई है यहाँ पे। तो यहीं पर मैं ये सारी चीज़ें रख देता हूँ जस्ट इन केस। अभी तो मुझे इसे टेम करना है। तो ट्रीट कहाँ है? ट्रीट अच्छा बैकपैक में है, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपना स्पॉन जो है यहीं पर सेट कर लूँगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड लेके जा रहा हूँ। और अपना बैकपैक निकालते हैं, इसमें से ट्रीट निकाल लो। कितनी ट्रीट खिलानी पड़ती है ये अभी नहीं पता मुझे। चलो रात होने वाली है, तो वो रहा वो हैरी पॉटर का घर। यहाँ पर एक रायकू फंसा हुआ था यहाँ पर वो निकल के भाग गया और विलेज की तरफ गया है। तो होपफुली हमें मिल जाए वहाँ पर एक और। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है वैसे पहले से। अरे हाँ, आइस क्यूब, आइस क्यूब से कुछ तो था जो मुझे बनाना था। वेट पोशंस, स्टोन ऑफ नेगेटिव ग्रेविटी, ओ बबल, और क्या है? सो जाओ पहले। सुबह उठते से मैं एक चूहे से मर गया। पानी पी लेते हैं। हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। ओके, कहाँ हो तुम? क्योंकि मैंने बीस्टरी में देखा था कि उसको आप मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपने अगर देखा भी हो तो उसको क्रीचर्स में आता है वो किस में आता है? एवियंस में। हाँ, एवियन में राइको, ये देखो ये है, एलिमेंटल अर्थ है इसका। और इसको आप शायद राइड कर सकते हो, मुझे नहीं पता है अभी तक, मुझे फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैं सरप्राइज एलिमेंट नहीं खोना चाहता किसी की वीडियो देखकर पहले, ठीक है? गेम खेलने में मज़ा आना चाहिए। ओह शूट, एशन कोबाल्ट, ये यहाँ पर क्या इसकी चौकीदारी कर रहा है यहाँ पे खड़े होके? ये हैंगिंग है वैसे। ये चूहा मुझे मार डालेगा मुझे लग रहा है। इस टावर का एंट्रेंस किधर से है भाई? ओय स्क्विडवर्ड, ये बहुत ज्यादा हेल्थ है इसकी तो। होली, नो 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 नो, लीव मी अलाउन, ये डर्टी स्क्विड मर गया साला, मुझे खींच लिया था अंदर। ओके, मैगलेडॉन है, जी जी। ओके, तो ये रहा विलेज। ये हमें पहले ही दिख गया था, पर अभी हम आए हैं इसमें। होपफुली ये मुझ पर हमला ना करें। इनका नाम क्या रहता है? एजिस है ना इनका नाम? नहीं, समनिंग वाले में, हाँ एजिस। ये है विस्प लेवल 2, नाइट विजन और ग्लोइंग मिल रहा है हमें। हेलो विलेजर्स, व्हाट द हेक, ये मुझ पे तो हमला नहीं कर रहा है ना पक्के से। हेलो विलेजर्स, अब ये पुराने वाले हो, नाइस। ये तो वो है और क्या कहते हैं, टेलीपोर्ट वाला स्टोन है शायद से, ये पक्के से। रुको मैं चेक करता हूँ इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको, देखना पड़ेगा। मैं ऐसे राइट क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि राइट क्लिक करते से ही आप टेलीपोर्ट हो जाते हो किसी और पोर्टल पे। यहीं पर ही देखा था मैंने राइकू को, यहीं पर ही घूम रहा था। होपफुली वो यहीं पर हो। क्या बात है, डी लाइट सेंसर वेंसर लगा के रखे इन्होंने तो, गुड। व्हाट्स दैट? अच्छा, ग्लोइंग मिल रहा है हमें भी। लगता है वो यहाँ से चले गए या फिर डी स्पॉन हो गया।
क्योंकि इसी विलेज में आता हुआ दिखा था वो मुझे। नहीं यहाँ पर आसपास नहीं दिख रहा है, माकास घूम रहे हैं बस। ओए व्हाट द हेल डूड, व्हाट द हेल डूड। ये वाले स्ट्रक्चर्स तो मैंने किसमें देखे, होमस्टेड में देखे हुए हैं, होमस्टेड में खेला है। ये वाले विलेजेस, इसमें लूट मिलती है, ठीक लूट मिलती है, इतनी अच्छी भी लूट नहीं मिलती है। आपको खाना वाना मिल जाता है। छोटे छोटे विलेजेस रहते हैं, अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। विंड मिल भी है इसमें। इधर से निकलने का रास्ता किधर से, बाय नीचे से क्या? रीजनरेशन। अच्छा ये विलेज प्रोटेक्ट करता है यहाँ पर खड़े होके, विलेज प्रोटेक्टर। देखो इस विलेज में तो खाना ही मिलेगा, स्केली हेड, क्या बात है, अमीर लोग। इधर क्या आई है, वॉच पता नहीं क्या है। हेलो व्हाट्स दैट, हेलो चूहा है के, चू है कोबाल्ट। इसको टेम कर सकते क्या, इसका नॉलेज नहीं है अभी मेरे पास। क्योंकि मुझे यहां पर उड़ता हुआ दिखा था और इधर से वो इधर गया था रायको, और अभी नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वापस जाकर थोड़ा सा चंक लोड करूंगा तो शायद स्पॉन हो जाए वापस, क्योंकि मैं शुरू में आया था इस तरफ और यहां से जब उधर गया तो उसके बाद अभी लौटा हूं वापस। ओके तो मैं विलेज के इस तरफ आया हूं, हैरी पॉटर के घर के नीचे जस्ट वहां पर एक फंसा हुआ है। ये रहा रायकू, ए रायकू वांट्स मोर, व्हाट कितना खिलाना पड़ता है इसे। अरे यार मैं लेकर आया नहीं हूँ, और मुझे लेकर आ जाए। वैसे मेरे बैकपैक में शायद रखे हुए हैं, खत्म हो गए। रुको ए रुक 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 डूड, वो चलो ये आता है पास में। नाइस नाइस नाइस, यू गेन नॉलेज रैंक टू, सीम्स टू लव यू नाउ, नाइस। एक एंड 22 स्ट्राइकू। अब इसे टेम कैसे करूँ मैं, मतलब टेम तो हो गया है, ये उठाओ। मैं इसको राइड कैसे करूँ, तो मुझे फॉलो करेगा ये डूड, आर यू गोइंग टू फॉलो मी राइको लेवल 3। देखते हैं मेरे पीछे आता है क्या। रुको सैडल वैडल रहता है क्या इसका, राय को ये क्या है, स्पॉन एग नहीं चाहिए हमें, सैडल चाहिए। सैडल कोई सी भी डाल दो क्या इसमें, सैडल वैसे मेरे पास तो काफ़ी सारी पड़ी हुई है क्योंकि मुझे बहुत सारी सैडल्स मिली थी, शायद कोई सी भी सैडल लग जाती है इसके ऊपर, ज़रूरी नहीं कि सैडल एक ही हो। अब ये मुझे इसको ले जाना है घर पे वापस, तो मैं कैसे लेके जाऊँ इसे, ये मुझे फॉलो करेगा क्या, व्हाट नो no? तो इसे खिलाते हैं हम और। खा नहीं रहा,
शायद सैडल लगेगी इसके लिए। अब ये मुझे फॉलो करेगा कि नहीं? रुको 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 रुको, पेट्स में रहता है ना। यू हैव नो सोल बाउंड पेट्स येट, यू शुड पेट बाय क्राफ्टिंग सोलमेट यूजिंग। ओके ओके, तो मैं इसे सोल बाउंड कर सकता हूँ। अगर ये मरा भी तो मैं इसे रिस्पॉन कर सकता हूँ। चलो मैं घर की तरफ जाता हूँ, होपफुली मुझे फॉलो करे, नहीं तो फिर मैं सैडल लेके आता हूँ। ओके, रैंडम रहता है उनका स्पॉन, मतलब कि उनको खिलाना, अगर आपने उसको खिलाया है वो तो। ओह आ रहा है, नाइस, फॉलो करता है। चलो यही तो चाहिए था हमें। मुझे सैडल लेनी है, सैडल मेरे घर पे पड़ी हुई है, क्योंकि हमने जब टावर गुलम उड़ाया था तो वहाँ से हमें काफ़ी सारी वो सैडल मिली थी। और मैं इसे वो भी पहना सकता हूँ। आ जाओ। ओके, तो यहाँ पर सैडल नहीं है, पहले पानी पी लूँ मैं। नाइस बॉय, इसका नाम भी चेंज कर रहे हैं तो कितना अच्छा रहता है, एकदम आर्क जैसा, मज़ा ही आ जाए। चलो रात होने वाली है, इससे पहले कि रात हो हम घर पहुंच जाते हैं। मेरे को इसके कमांड सीखने, वाह उसमें से घुस के आ गया नूब हमारी तरह ये भी नूब है। बस ये मरे ना, अभी इतनी मुश्किल से हम इसे ढूंढ के लेकर आए, कोई इस पर हमला ना करे। हाँ, अब जो हॉस्टाइल क्रीचर्स है, क्योंकि ये फ्रेंडली हो गया तो इस पर हमला ज़रूर करेंगे बात फाइंड करते करते आता है वो भी। लोल, ओ क्या बात है, हमारा वीट ग्रो हो गए, नाइस। इसमें देखें सैडल इसमें नहीं है। मुझे इसको बस फ्लाई करके देखना है। सैडल इसमें मिली थी काफ़ी सारी, हाँ यहाँ पर होगी ना। ए वेट, अब इसको मैं बोलूँ भी कैसे वेट करने के लिए। बाप रे, इधर तो अंधेरा छाया हुआ है, कल हमने मारे थे, ये रही सैडल, नाइस। ए डोंट कम हियर, कमांड सीखने पड़ेंगे, कैसे कमांड कर सकते हैं इसमें, मतलब कमांड कैसे देते हैं आप। आ रहा, आ गया, नाइस। ओह, लेफ्ट शिफ्ट टू डिसमाउंट, एक्स टू माउंट, ओके नाइस, एंड एक्स, अच्छा माउंट एबिलिटी, ओके क्या है, व्हाट इज दिस, प्लेस एनिमेशन, वो क्या होता है, उड़ सकते हैं हम? ओ भाई ये हुई ना बात, वी आर फ्लाइंग बॉयज, वी आर फ्लाइंग, होली क्या बात है। चलो भाई हमें ले चलो हमारे घर पे। अरे यार इसका नाम चेंज कर सकते तो मज़ा आ जाता, क्या बात है। आखिरकार वी आर फ्लाइंग लाइक अ नूब रुको मेरे को इसको सोल बाउंड करने दो, मेरे को सोल बाउंड करना है ताकि मैं इसको लूज ना करूँ, अगर मर भी जाए, होली अगर मर भी जाइए तो मैं इसे, अब मुझे ये देखना है। अच्छा, जो सोल बाउंड रहते हैं उन्हीं को अपन शायद कमांड दे सकें। रात होने वाली है, मैं अंदर चले जाता हूँ, सो जाते हैं। सोल स्टोन की तरह, सोल स्टोन की मेरे, सोल स्टोन ये रहा। यूज़ ऑन अ टेम्ड क्रीचर टू बाइंड इट टू योर स्पिरिट, अलाउंग यू टू समन एंड डिसमिस इट एनी वेयर एनी टाइम, बाउंड पेट्स और माउंट्स विल बी ऑल्सो रिस्पॉन आफ्टर डेथ, नाइस। ये भाई सोल सैंड्स तो हम बनाने वाले हैं ढेर सारी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पेट्स मरे। किधर गया ये रहा, ए ड्यूड राइको हैज बीन बाउंड, यू विल नाउ फाइंड इट इन योर माउंट मैनेजर, नाइस। ये हुई ना बात, गुड। क्या बात है, अरे यार यहाँ की ये टेरेन मेरे को ठीक करनी है यार, बड़ी ख़राब हो रही है, इसको इधर लेकर आओ, कम ऑन।
ओके अच्छा बैठने पर एक्स दबाओ, एक्स दबा के एबिलिटी नहीं, कैसे करते हैं? ओ मैं भूल जाता हूँ। ओके एक्स प्रेस एक्स टू यूज माउंट एबिलिटी, कर तो रहा हूँ मैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। ओके पार्टिकल्स ब्लॉक ब्लैक ब्लैक लिस्ट ऑफ ब्लॉक, व्हाट दैट सपोज टू मीन? माइनक्राफ्ट ग्रास माइनक्राफ्ट पार्टिकल ऐड, रुको एक और बार मेरे को देखने तो बोलता क्या है। लेफ्ट शिफ्ट टू डिसमाउंट, एक्स टू यूज एबिलिटी, पता नहीं मुझे देखना पड़ेगा एक और बार कि क्या है इसकी एबिलिटी। सभी तो हम उड़ सकते हैं मस्त, नहीं सब मुझे ध्यान रखना है कि मुझे शिफ्ट नहीं दबाना है और ई भी नहीं दबाना है। रुको मैं पहले देख लेता हूँ कि किस बटन से नीचे किस से जाते हैं। ओके यहाँ गए, शिफ्ट से डिसमाउंट होता है और राइट क्लिक से बैठता है, ई से आप एक्सेस कर सकते हैं इन्वेंटरी और कुछ। ये देखो एक्स एक्स दबा रहा हो तो कुछ तो हो रहा है, ये फाइट नहीं करता होगा, ये सिर्फ फ्लायर है, मस्त है। चलो मुझे ये तो पता चल गया कि इससे होता। और हाँ एक और चीज़, जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने आया था इसमें तो मुझे एक रैप्टर दिखा था और रैप्टर की भी एबिलिटी है इसमें, कुछ तो करके नाम है उसका मेरे पास, शायद बीस्टरी में होगा उसका कुछ ना कुछ। ओ पेट्स में आ गया है क्या ये? राइकू नाइस, ये हुई ना बात। ओके टेलीपोर्ट पैसिव डिफेंसिव असिस्ट अग्रेसिव वंडर रिलीज, नहीं टेलीपोर्ट डिसमिस। ओके चलो ये हो गया है, अब मैं इसको फॉलो के बजाय सेट करा सकता हूँ। अच्छा यहाँ से करा सकते हैं हम, नाइस। तो यहाँ पर वही सोच रहा था कि इसमें आते क्यों नहीं है। ओके तो हमारा ये आ गया है राइकू, हमने टेम कर लिया इसे। अब मैं इसे इधर ही ऊपर ही रखूं क्या ऐसे, या फिर मुझे इसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए? ऊपर रहेगा तो सही रहेगा और मुझे इसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। अब सोल स्टोन इसमें लगा दिया है, देखें इधर आता है ये, आएगा तो ज़रूर। ओके तो बी स्ट्री में जाकर पेट्स पे इसको करता हूँ मैं सेट, ठीक है। अभी डिफेंसिव मैंने रखी है, अग्रेसिव नहीं रखी है। ओके तो अभी ये बैठा रहेगा यहीं पर ही, नाइस बॉय गुड बॉय। इसको खाना क्या खिलाएं हम, तो इसकी हेल्थ तो सही है। इधर आ जाओ तुम थोड़ा सा बीच में, हाँ नाइस। इसका नेम वेम चेंज करने का भी रहता ना तो भी मजा, अंडर क्वींस क्राउन। ओके तो हमने हमारा फर्स्ट फ्लायर जो है वो टेम कर लिया है, गुड बॉय। ये रहा हमारा राइकू और बहुत इजीली टीम हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगता। जैसे ही वो हमारे हाथ में ट्रीट दिखती है ना तो वो खुद ही रुक जाता है, ऐसा नहीं कि आपको उनके पीछे भागना पड़ता है, ये खुद ही रुक जाता है। और उसको खिलाओ तो फिर उसमें ऑप्शन आता है कि ही वॉन्ट्स मोर, और जैसे ही इनफ मतलब कि जो भी इसकी वो रहता है कि कितना खाने के बाद टीम होगा, शायद रैंडम ही रहता है वो, तो उतने के बाद ये टीम हो जाता है। उसमें लिखा हुआ आता है कि इट बिलोंग्स टू यू और उसके ऊपर नाम आ जाता है कि एक इन 22 या जो भी हो आपका नाम, वो लिखा हुआ आ जाता है मतलब कि ये टेम हो गया है। फिर आपको नॉर्मल सैडल जो हॉर्स पे सैडल लगाते हैं वही सैडल लगा के आप इस पे बैठ सकते हो, राइड कर सकते हो। ओबोई पर एक और चीज़ होनी चाहिए कि इसका नाम चेंज, हाँ नेम टैग से हम चेंज कर सकते हैं ना इसका नाम, नो स्वेट नाइस, ये हुई ना बात। तो आज के एपिसोड में हम राइको को ढूंढने गए थे और हमें मिल भी गया, हमने टेम भी कर लिया है ईजी पीजी। और इसको मैंने सोल स्टोन से भी वो कर दिया ताकि मैं इसे कहीं पर भी समन कर सकूं अब, ठीक है। ये देखो इसका कॉस्ट कितना लगता है, समनिंग स्पिरिट कॉस्ट योर स्पिरिट हेल्थ दिखाता है। ओके तो मैं इसका नाम चेंज करूंगा तो यहाँ पर भी होना चाहिए नाम। तो मुझे अब ऐसे क्रिएचर्स ढूंढने पड़ेंगे जो ज़्यादा, ये तो फ्लायर है और जो ज़्यादा एबिलिटीज़ हो जिनके पास,
शायद ग्रिफिन भी है इसमें, तो मैं ग्रिफिन ढूंढने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, और या फिर कोई लैंड एनिमल, रैप्टर जो था, रैप्टर मैंने देखा था कि सबसे फास्टेस्ट है जो लैंड पे, रैप्टर्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा और उनका एरिया कहाँ पर जो वो स्पॉन होते हैं, ठीक है, और वो भी यही खाते हैं, वो भी इसी में आते हैं, क्रीचर्स में ही आते हैं, एवियंस में ही आते हैं, तो ये वाली जो है एवियन ट्रीट ही खाएंगे वो, ठीक है। ओके, तो मेरे को फिर अब जो एनिमल्स टेम्ड हो रहे हैं ना, इनके लिए मुझे एक घर, अलग से एक घर बनाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ वो जो दिख रहा है आपको पीछे मेरे, यहाँ पर इसको साफ करके थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ जहाँ पर इनको रख सकूँ, और फेंसेस लगा दूँगा ताकि दूसरे जो हैं वो वहाँ पर ना आ पाएँ, और थोड़ा अच्छे से टॉर्च करके रखेंगे उसको ताकि दूसरे मॉब्स जो हैं वापस स्पॉन ना हो और हमारे इन प्यारे क्रीचर्स को हार्म ना करें। रेडी, तो सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर दीज ऑसम आरएल क्राफ्ट, माइनक्राफ्ट, आर्क एंड डिफरेंट गेम्स, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलना ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिले मेरे हर अपलोड की। ओके, तो सी यू ऑल गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी या।